recent heat streak. Whoa! He's dead after a fire extinguisher exploded at a work site in Chelsea. Happened this morning inside the Morgan General Postal Building at 9th Avenue and 30th Street. Police say shrapnel hit the man in the neck. It is unclear why the extinguisher exploded. There was another incident tied to this. Two officers responding to the emergency were injured when their cruiser collided with another car at 9th and 25th. The driver of the other vehicle and the officers are expected. Fire extinguishers. आग बुझाने वाले आलात। नाजरीन, ये आलात इंतहाई अहम और ज़रूरी होते हैं हर उस जगह पे जहाँ पे आग लगने का खदशा हो, चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, कोई मार्केट हो, कमर्शियल प्लाजा हो या कोई सनती इदारा हो। अभी आपने चंद वीडियोस में देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स की अगर सही तरीके से देखभाल ना की जाए, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन ना की जाए तो वो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, वो एक्सप्लोड कर सकते हैं, वो बेहद नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अब बात जो है इस वीडियो का एक्सेल में जो टॉपिक है वो इसकी इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और इसकी टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आमतौर पर फायर एक्सटिंग्विशर्स की महाना इंस्पेक्शन की जाती है, उसकी नोजल, गेज, पाइप, बॉडी पे क्रैक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं और फिर एक रूटीन टेस्टिंग होती है। रूटीन टेस्टिंग से मुराद है मैं हाइड्रो टेस्टिंग ले रहा हूँ जो कि 5 से 12 साल तक के टेन्योर पे फैली हुई है, डिपेंडिंग अपॉन द विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज बीइंग टेस्टेड और किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ हो रहा था, कितनी दर मरतबा वो रीफिल हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर की 5 से 12 साल तक की एक मियाद है जिसके अंदर इसकी हाइड्रो टेस्टिंग होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम ओवरलुक करते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर बनाने वाला जो है मैन्युफैक्चरर है, जो उसने स्पेसिफिकेशंस आपके फायर एक्सटिंग्विशर की तैयार की है, उसको नज़रअंदाज करना। आम तौर पे जो CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर होता है 55 बार्स के ऊपर उसने प्रेशर को कंटेन किया था जो कि अराउंड 800 या 825 के करीब जो है PSI बनते हैं। इसी तरीके से जो DCP का वर्किंग, DCP फायर एक्सटिंग्विशर का वर्किंग या ऑपरेटिंग प्रेशर है वो 15 से 19 बार तक चला जाता है और जो है AFFF का वो 12 से 13 बार के या 12 से 15 बार के नज़दीक होता है। अब भी मेरी नज़र से चंद हाइड्रो टेस्टिंग के सर्टिफिकेट्स गुजरे जिनको पाकिस्तान की लोकल कंपनी ने टेस्ट किया हुआ था और सर्टिफिकेट इशू किया हुआ था। CO2 को उन्होंने 350 PSI के ऊपर टेस्ट किया हुआ। एक थंब रूल है कि आपकी जो ऑपरेटिंग प्रेशर है उससे 1.5 के ऊपर आपने फायर एक्सटिंग्विशर को टेस्ट करना है, यानी 800 PSI के ऊपर अगर वो प्रेशर है उसका, उस वेजल का, तो उस आपने उसको 1200 के ऊपर टेस्ट करना है। लेकिन उसको टेस्ट किया हुआ था 350 PSI के ऊपर। जब भी आप हाइड्रो टेस्टिंग कराएं, जिस कंपनी से भी करवाएं, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि किस प्रेशर के ऊपर और किस कंडीशंस में वो उसको टेस्ट कर रहा है। क्या वो टेस्टिंग प्रेशर जो वो दे रहा है वो उसके ऑपरेटिंग प्रेशर से ज़्यादा है या कम है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उस फायर एक्सटिंग्विशर का, उसने जो टेस्टिंग प्रेशर रेकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम आमतौर पर ओवरलुक करते हैं। हम बस हाइड्रो टेस्टिंग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स भेज देते हैं और जब वो टेस्ट होकर वापस आते हैं उसका सर्टिफिकेट फाइल में लगा लिया और काम खत्म। ऑडिटर्स आए या ना आए, एनुअल इंस्पेक्शन जो भी होता है उसके अंदर हम दिखा दो, काम अपना फारिग कर देते हैं। भाई जब तक वो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ के मुताबिक टेस्ट नहीं होगा तो फिर नतीजे ऐसे ही निकलेंगे। जब काम करने की या चलाने की बारी आएगी तो फायर एक्सटिंग्विशर एक्सप्लोड कर जाएगा और ये जानलेवा भी साबित होता है। तो इस वीडियो का मकसद जो था आपकी तवज्जो इस तरफ दिलानी थी कि जो हाइड्रो टेस्टिंग या मेंटेनेंस इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी है कि नहीं है और क्या वो फ़ायदेमंद भी साबित हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कि आपके पास सही वेंडर मौजूद नहीं है हाइड्रो टेस्टिंग के लिए तो आप हमें रब्ता कर लें askmas.com। हम आपकी फुल फ्लैज मदद करेंगे और आपको अच्छे तरीके से हाइड्रो टेस्ट भी करवा के देंगे किसी अच्छी कंपनी से, अच्छे वेंडर से। ऐसा डीप नॉलेज आपको askmas.com के अलावा अगेन कोई फ्री में नहीं देगा। सारे आपको पैसे लेंगे और NFBA पढ़ाएंगे या फिर कोई स्टैंडर्ड पढ़ा देंगे और काम खत्म कर देंगे। बट अगेन एंड अगेन मैं बार बार कहूँगा कि अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स की प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाए और हाइड्रो टेस्टिंग पे खास तवज्जो की जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।